मान लीजिए आप यहाँ पे अपना दिस पीसी जो है उसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए डिलीट हो गया और यहाँ पे रिसाइकल बिन में भी वो नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस दिस पीसी वाले आइकॉन को वापस किस तरह से ला सकते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करिए, ठीक है, डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे पर्सनलाइज का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए व्यू के अंदर शो डेस्कटॉप आइकॉन, इसे करने से क्या है कि सारे के सारे यहाँ पे आइकन्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे और फिर जब दोबारा आप लाएंगे तो वो दिस पीसी वाला नहीं होगा क्योंकि आपने डिलीट कर दिया है गलती से, ठीक है। तो आप सीधा सीधा यहाँ जाएंगे पर्सनलाइज में। पर्सनलाइज में जाने के बाद थोड़ा सा वो टाइम लेता है। यहाँ पे देखिए थीम का एक ऑप्शन है, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे देखिए पर्सनलाइजेशन है, उसमें यहाँ पे थीम वाला यहाँ पे ऑप्शन है, इस थीम के ऊपर क्लिक करिए, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इसके ऊपर आपको जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे ये कंप्यूटर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे अनटिक है, देख रहे हैं आप, टिक है ही नहीं इसमें, तो इसको यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद अभी ओके कर दीजिए, ठीक है, और इसे क्लोज करिए। ये देखिए यहाँ नीचे आ गया आपका दिस पीसी, इसको लेके यहाँ पे छोड़ दीजिए, हो गया आपका दिस पीसी, यहाँ से वापस आ गया, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रोसेस था ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.